लेसन नाइन द लॉन्ग जर्नी मीन्स लंबी यात्रा. लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, जर्नी मीन्स होता है यात्रा. यहाँ शब्द अर्थ बॉट बी ओ यू जी एच टी बॉट मीन्स लाना. नर्व्स एन ई आर वी ओ यू एस नर्व्स का होता है उदास. थॉट टी एच ओ यू जी एस टी थॉट का होता है सोच. बोर्डेड बी ओ ए आर डी ई डी बोर्डेड का होता है सवार. फ्यूजी एफ यू डबल जेड वाई फ्यूजी का होगा अस्पष्ट. एलाइट ए एल आई जी एच टी एलाइट का होता है उतरना. डल डी यू डबल एल डल का होता है सुस्त. अब क्वेश्चन है इसका ट्रिक द करेक्ट आंसर. जो सही उत्तर है उस पर हमें क्या लिखना है, उसमें वो ट्रिक मारना है. तो उसका है अनी इज डिस्क्राइबिंग हर जर्नी टू. अनी वर्णन किया अपने यात्रा का, कहाँ का, तो इंडिया का. तो इंडिया पर ट्रिक मार देंगे. फिर हाउ लॉन्ग वाज द जर्नी इट वाज ऑफ. कितने लंबे, हाउ मतलब कितना, लॉन्ग मतलब लंबा, वाज था जर्नी यात्रा कितना लंबा था, इट वाज ऑफ यह कितना लंबा था, तो फाइव आवर्स फाइव पाँच घंटे का. हु केम टू मीट द फैमिली एट द लंदन एयरपोर्ट. हु मतलब कौन, केम आया मिलने फैमिली एट द लंदन एयरपोर्ट. लंदन एयरपोर्ट पर कौन सी फैमिली मिलने आई, तो रिलेटिव्स मतलब संबंधी. फिर राइट द ट्रू एंड फॉल्स अगेन ईच स्टेटमेंट. ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है. माला राइट्स ए लेटर टू अनी. माला लिखी एक लेटर अनी को. सही है कि गलत, तो गलत फॉल्स यफ. सैम सैट एट द विंडो सीट इन द प्लेन. सैम विंडो के किनारे बैठा प्लेन की सीट में, फॉल्स होगा. अनी रोट द लेटर आफ्टर रीचिंग लंदन. अनी ने लेटर लिखा लंदन पहुंचने के बाद, तो ट्रू होगा टी. द टैक्सी वाज 20 मिनट्स लेट. टैक्सी कितने मिनट लेट थी, 20 मिनट्स, तो ट्रू. द क्लाउड्स फॉर्म्ड मेनी शेप्स इन द स्काई. द क्लाउड्स बादल अनेक प्रकार के आकार में थे, तो ट्रू होगा टी. फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डिड डैड डू बिफोर लीविंग फॉर द एयरपोर्ट. व्हाट डिड डैड, डैड ने क्या किया एयरपोर्ट छोड़ने से पहले, तो ही लॉक्ड, उन्होंने लॉक किया द विंडोज एंड वाटर्ड दिया, पानी दिया द प्लांट्स में. उन्होंने विंडोज़ को लॉक किया और प्लांट्स में पानी दिया. वाई वाज इट डिफ़िकल्ट टू क्लोज सैम्स सूटकेस. सैम्स का सूटकेस, वाई वाज इट डिफ़िकल्ट, यह कठिन क्यों था क्लोज करना सैम्स सूटकेस का. सैम के सूटकेस को क्लोज करना क्यों कठिन था, तो सैम सूटकेस वाज नॉट क्लोज बिकॉज. तो इसका उत्तर होगा कि सैम का सूटकेस नहीं क्लोज हो रहा था क्योंकि ही पैक्ड इन द मच थिंग्स, उसमें बहुत चीजें उसने पैक कर लिया था. ही पैक्ड मतलब पैक कर लिया था इन द मच थिंग, बहुत सारी चीज़ें. व्हाट ऑल डिड अनी सी फ्रॉम द प्लेन. अनी ने प्लेन से क्या देखा, तो अनी सा द टीनी, अनी ने देखा छोटा सिटी एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लाउड्स, विभिन्न प्रकार के बादल फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से. फिर दिया है मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच कराना है, तो बटर का होगा फ्लाई, तो बटरफ्लाई हो जाएगा. फिर फायर का मैचिंग होगा मैन. टूथ का होता है ब्रश. फुट का होगा बॉल. कैंप का होगा फायर. बेड का होगा रूम. और लाइट का होगा हाउस. और रेन का होगा कोट. फिर अगला है फिल इन द ब्लैंक्स. द पुट्स आउट फायर्स, आग कौन बुझाता है, फायर मैन, तो यहाँ फायरमैन भर देंगे. फिर लुक एट द फ्लावर. द ऑन इट लुक सो ब्यूटीफुल, इसमें क्या भरेंगे,
जो बटरफ्लाई लुक सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा दिखती हैं, क्या चीज़? बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई भर देंगे। आई स्लीप इन माई, मैं सोता हूँ कहाँ? बेडरूम, बेडरूम में। कम अभी, लेट्स प्ले, अभी आओ और चलो खेलने। क्या? फुटबॉल, फुटबॉल भर देंगे। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। वियर ए रेन कोट, रेन कोट पहनो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स, कह रहा है कि जो वर्ब्स है उसका पास्ट टेंस लिखना है। द बॉयज प्लेड, यहाँ पे भरा जाएगा प्लेड, ये वाला PLAYED, इन द पार्क, पार्क। फादर लॉक्ड, LOCKED, लॉक्ड यहाँ भर देंगे। द डोर, फादर ने लॉक किया दरवाजे को। द बर्ड्स फ्लू अवे, कहाँ? दूर तक उड़ी। द फैमिली देयर जर्नी, तो यहाँ पर होगा इंजॉयड, ENJOYED, इंजॉयड, मतलब फैमिली ने जर्नी में बहुत मजे किए। अनी रोट, यहाँ पर होगा रोट, यहाँ पर भर देंगे रोट। ए लेटर टू माला, WROTE, रोट यहाँ भर देंगे। फिर अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वाज एंड वेयर, वाज और वेयर के साथ भरना है। डायनासोर्स, तो डायनासोर्स बहुत प्रेजेंट, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, डायनासोर्स जो है वाज प्रेजेंट, उपस्थित था बहुत हजारों साल पहले, तो यहाँ से वाज भर देंगे। फोर ईयर्स एगो, आई, आई के साथ हमेशा वाज लगता है, तो यहाँ पर लिख देंगे वाज ए बेबी। फोर ईयर्स एगो, मैं 4 साल पहले छोटा बच्चा था। द बॉय, द बुक्स ऑन द सेल्फ, तो यहाँ पर बुक्स मतलब बुक्स हैं, बुक होता है एक किताब के लिए, बुक्स होता है बहुत सी किताबों के लिए, तो यहाँ भर देंगे वेयर ऑन द सेल्फ। वी वेयर, वी के साथ हमेशा क्या लगता है? वेयर, वी के साथ वेयर। सो हैप्पी एट द पार्टी, हम काफ़ी पार्टी में खुश थे। इट वॉज, इट के साथ हमेशा लगता है वॉज। नॉट ईजी टू सॉल्व द सम, इट के साथ क्या लगता है हमेशा? वॉज। नॉट ईजी टू सॉल्व द सम। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ।